हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक, जहां पे आपके दो टॉपिक भी कवर हो रहे हैं। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है डिमांड के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें इसको डिटरमाइन करती हैं। साथ ही साथ सेकेंड जो टॉपिक है हमारा वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर के। तो ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर समझ में आए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं एक लाइव एग्जांपल की। मुझे ये मार्कर खरीदना है, मेरी इच्छा है कि मैं ये मार्कर खरीदूं। तो सबसे पहले यानी कि मेरी जो विलिंगनेस है या मेरी डिजायर है मेरा इस सामान को खरीदने के लिए, उसको हम कहेंगे डिजायर टू बाय, कि मैं इसे खरीदना चाहती हूं, डिजायर टू बाय। सेकेंड वन, मैंने सोच तो लिया कि मुझे ताजमहल खरीदना है, बट क्या मेरे पास उसके लायक उतना अमाउंट है, क्या मेरे पास उतना पैसे है कि जो मैं चीज को खरीदना चाह रही हूं उसको खरीद सकूं। तो उसको बोला जाता है एबिलिटी टू पे या एबिलिटी टू बाय, यानी उस चीज को खरीदने की एबिलिटी, यानी एबल हो आप उस चीज को खरीदने के लिए या नहीं। द थर्ड पॉइंट इज, पहली बात हो गई कि मैं उसको खरीदना चाहती हूँ, दूसरा मेरे पॉकेट में उसके लिए माया जी होनी चाहिए यानी कि पैसा होना चाहिए, थर्ड यानी कि मैं उस सामान को खरीदने के लिए ये पैसा खर्च करने की इच्छा शक्ति रखती हूँ कि हाँ मुझे ये जो पैसा है मैं इस सामान को खरीदने के लिए रख सकती हूँ। तो दैट इज योर विलिंगनेस टू स्पेंड, आप उस पैसे को खर्च करने के लिए भी विलिंगनेस हो, विलिंग है आप में कि मैं इसके लिए पैसा खर्च करूंगा। तो जैसे ही आपके ये तीन चीजें किसी प्रोडक्ट के लिए आ जाती हैं, सो इट मींस वो आपके उस प्रोडक्ट को लेकर के वो डिमांड कहलाती है। यानी जहां पे आप डिजायर करते हो सामान खरीदने के लिए, सेकंड आपकी एबिलिटी है उसको बाय करने के लिए, आपके पास पैसा है, थर्ड आपकी विलिंगनेस है कि आप उस पैसों को इस चीज के लिए खरीदो, इसके लिए स्पेंड करो। मेरे पास 20 रुपीज है, लेट सपोज ये 20 रुपीज का मार्कर है, मैं चाहती हूँ मैं ये खरीदूं, मेरी एबिलिटी भी है, मेरे पॉकेट में पैसे भी हैं, बट मैं ये नहीं चाहती कि मैं इस पर पैसा खर्च करूं, यानी जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं मैं इस पर खर्च नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे ये आपकी डिमांड नहीं बनेगी। जब ये तीनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, जब ये तीनों चीजें आएंगी, तभी आपकी डिमांड क्रिएट होगी। तो इस चीज को कहा जाता है डिमांड, यानी आप उस चीज को खरीदना चाहते हो। चलिए, आई होप आपको डिमांड का मतलब तो इजीली समझ आई गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वन, यहां पे हमने इसी तीन वर्ड्स को एक्सप्लेन करके इसकी डेफिनेशन बना दी है। द कॉन्सेप्ट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंगनेस एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप खरीदना भी चाह रहे हो, आपके पास वो तीनों कंपोनेंट्स है जो भी हमने बात की, तीनों एलिमेंट है। लेकिन अब डिमांड को अगर हम बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सामान है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, विलिंगनेस आपकी 3 साल बाद की है, 4 साल बाद की है। नहीं, जब डिमांड की बात होती है तब वो सेम पर्टिकुलर टाइम की बात होती है कि एक निश्चित टाइम होना चाहिए, ठीक है, और निश्चित प्राइस होना चाहिए, और वहां पे जब आपके पास एबिलिटी है और आप उसको जो है परचेज करना चाह रहे हो उसके वेरियस प्राइजेस में, तो ही वो आपकी क्या होगी, डिमांड बन पाएगी, तभी वो डिमांड का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएगा। अब डिमांड मतलब आपको कितनी सारी चीजें चाहिए, तो वो सब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी डिमांड को क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। मुझे ये मार्कर खरीदना है नहीं खरीदना, ये क्या डिसाइड करेगा, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं कि मैं ये सामान खरीदना चाहती हूँ नहीं खरीदना चाहती, मेरी जो डिमांड है उसको कौन कौन सी चीजें डिटरमाइन करती है। सबसे पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, 20 रुपए का है मैं खरीदना चाहूंगी, 2000 रुपए है मैं ऑब्वियसली नहीं खरीदना चाहूंगी, क्यों, क्योंकि इसका प्राइस बहुत हाई है। आप खुद सोचिए, अगर कोई चीज सस्ती मिलती है तो आप उसको जल्दी खरीदने की कोशिश करते हो, आप उसको खरीदना चाहते हो, लेकिन वही अगर उसका प्राइस बहुत हाई होता है, आपके बजट से बाहर होता है, सो आप क्या करते हो, उसको बाय नहीं कर पाते हो, आपके पास वो एबिलिटी ही नहीं होती कि आप उसके लिए पे करो, तो विलिंगनेस तो दूर की बात है। तो वहां पे क्या हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो जो सबसे पहली चीज है जो आपकी डिमांड को देखती है, आपकी डिमांड को एक तरीके से आप कह लीजिए कंट्रोल कर रही है, आपकी डिमांड है या नहीं वो कंट्रोल देखती है, तो सबसे पहली चीज होती है प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, वो भी आपका सबसे मेन पॉइंट है।
अदर थिंग बीइंग इक्वल, यानी कि जो बाकी पॉइंट्स हैं वो सब यहाँ पे हम कांस्टेंट रखें और सिर्फ प्राइस की बात करें, तो यहाँ पे आपकी डिमांड और प्राइस इनवर्सिबल है। इनवर्सिबल यानी कि अगर बहुत ज्यादा प्राइस होगा तो आपकी डिमांड उसके लिए कम हो जाएगी, वहीं अगर आपका प्राइस कम होगा तो डिमांड आपकी ज्यादा हो जाएगी। एक जो है मार्कर आपको 20 रुपए का मिल रहा है तो हो सकता है आप दो ले लो, लेकिन वहीं अगर आपको 35 रुपए का एक मार्कर मिलेगा तो आप एक ही ले लोगे कि नहीं यार ये बहुत महंगा है, सो आई विल मैनेज इन ओनली वन मार्कर। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस ने आपकी डिमांड को कम कर दिया, जैसे ही प्राइस बढ़ा आपकी डिमांड कम हो गई। और इसी का उल्टा हो जाता अगर आपका जो प्राइस है वो कम हो जाता तो आप कहते चलो हम एक और मार्कर ले लेते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। क्या जरूरी है कि जो प्राइस वो मार्कर का ही चेंज होगा मैं तभी उसकी जो डिमांड है कम ज्यादा करूंगी? नहीं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं चल पाता। पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो गाड़ी अभी नहीं चल पाएगी, अगर हम इलेक्ट्रिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट हटा दें तो। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं कि एक के साथ दूसरा चाहिए ही चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अगर आपका गाड़ियों का जो अगर आपके मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस जो है वो 1000 रुपीज हो जाए तो आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई गाड़ियां तो इससे ज्यादा सस्ती पड़ जाएगी मेरे को और पेट्रोल के लिए मुझे इतना पेमेंट करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी खरीदता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ देख लूंगा, मैं ओला पे चला जाऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा या कुछ और चीजें देख लूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपका पेट्रोल का प्राइस बढ़ा वैसे ही आपकी कार की जो डिमांड है वो कम हो गई, लोगों ने गाड़ियां खरीदनी कम कर दी। उनको लगा पेट्रोल बहुत महंगा है तो इसको चलाने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए होगा तो हम गाड़ी नहीं खरीदते हैं, गाड़ी की डिमांड हम कम कर देते हैं, हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि यानी एक का प्राइस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, उन दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, तो जैसे ही उनमें से किसी एक का प्राइस बढ़ जाता है दूसरे की डिमांड भी कम हो जाती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हो, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं एंड इजी एग्जांपल के साथ। तो चलिए ये तो बात हुई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। वहीं एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि एक चीज नहीं मिली तो चलो हम दूसरी ले लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है चाय पीने की, लेकिन मुझे अगर चाय नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, हम कॉफी पी लेंगे। ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसा नहीं है ना चाय नहीं मिली तो लस्सी पी लेंगे, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है। सब्स्टिट्यूट यानी कि जिसको एक की जगह आप दूसरे को प्रायोरिटी दे सकते हो, तो वो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जैसे ही एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, जैसे ही एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। देखो मान लो जो कॉफी है वो बहुत महंगी हो गई, ठीक है, कॉफी जो है वो बहुत महंगी हो गई, 1000 रुपया हो गया उसका पाव किलो या जो भी उसका मेजरमेंट होता है वो देख लीजिएगा। तो ये इसका क्या है, प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया। अब जो लोग कॉफी पीते थे वो बेचारे कहेंगे यार ये तो बहुत हाई हो गया, अब मैं इसको पी ही नहीं पाऊंगा, तो वो क्या करेंगे, वो चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो चाय पीने लगेंगे, वो अब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए प्राइस इसका बढ़ा कॉफी का तो लोगों ने कॉफी ना पी करके क्या कर दिया, टी पीने लग गए, तो टी के लिए डिमांड करने लग गए, तो इसीलिए टी का डिमांड बढ़ गया। भले ही उसका प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ना बढ़ा ना घटा, पर फिर भी उसका जो क्या है डिमांड बढ़ने लग गया। तो ये आपका होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स से रिलेटेड, यानी कि एक चीज का प्राइस घटेगा बढ़ेगा तो वो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स पे इफेक्ट करेगा। सेम आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने किया और सब्स्टिट्यूट गुड्स कर लिया। तो ये हमारा था सेकेंड पॉइंट कि ना ही सिर्फ अपना प्राइस बल्कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनके प्राइस भी यहाँ पे मैटर कर जाते हैं आपकी डिमांड को लेकर के। चलिए द नेक्स्ट वन इज योर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपकी इनकम जो है वो है, चलिए इसका एक वो एग्जांपल ले लेते हैं, थ्री इडियट। मैंने कई लोगों ने देखी होगी थ्री इडियट, तो वहां पे जो उनका प्रिंसिपल बुला के बोलता है कि देखो उसके पापा की इनकम है 2.5 करोड़, ठीक है, इसमें से 1 0 हटा दो तो आपकी है, 2 0 हटा दो तो आपकी है, ऐसे वो एक्सप्लेन करता है। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी ज्यादा इनकम वो दिखा रहा था अब उसकी जो
डिमांड है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, वो कुछ चीजों को लेकर के ज्यादा डिमांड करेगा, वो हो सकता है अच्छी अच्छी चीजों की ज्यादा डिमांड करे, बट जिनकी सैलरी वहीं पे कम होगी, सैलरी जिनकी कम होगी, मान लो हम जैसे हम एजुकेटर्स हैं, जो हम यूट्यूब पे एजुकेटर्स हैं, हमारी जो सैलरी है वो इतनी होती है महीने की, ठीक है, तो हमारी डिमांड भी क्या है इसी के अकॉर्डिंग है। वहीं पे आप देखिए जो अलग अलग ब्लॉगर्स हैं जो व्लॉग करते हैं या फिर जो कॉमिक्स बनाते हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है वो इतनी इतनी चली जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है चीजों को लेकर के। तो यहाँ पे इनकम जो है कंज्यूमर की, जिस इंसान को गुड्स लेने हैं उसकी इनकम पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिमांड करेगा। इन शॉर्ट मैं यही बताना चाह रही हूं आपको। चलिए अब बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बारे में ही थोड़ा सा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यहाँ पे हम बाकी जो चीजें हैं, बाकी पॉइंट है वो इक्वल रख रहे हैं, यानी उन सब में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इनकम में चेंज है। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे आपके दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स, एक इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो, जो एक सामान्य चीज होती है, जैसे दाल, चीनी, आटा, दीज आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होने लग जाएगी, आप क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा डिमांड करने लग जाओगे, आप उसके लिए अपने डिमांड बढ़ा दोगे। लेकिन वही जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं वो थोड़े लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, यानी विच द क्वांटिटी डिमांडेड राइज ओनली अप टू अ सर्टन लेवल ऑफ इनकम एंड डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड दिस लेवल। आपने देखा होगा चावल के छोटे छोटे दाने आते हैं, दाने टाइप के, जो उसके काफी ज्यादा पार्टीशन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो थोड़े सस्ते चावल होते हैं। जो हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो उतना मनी नहीं कमाते हैं या ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, वो वाले चावल लेते हैं ताकि वो एटलीस्ट खाना खा सके, अपना पेट भर सके। वो होते हैं इन्फीरियर गुड्स, यानी कि जो बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। तो एक सर्टन लिमिट तक, यानी कि आपकी अगर इनकम 2000 ही है, तो आप क्या करोगे, वैसे वाले प्रोडक्ट खरीदोगे, क्योंकि आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट यानी अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी खरीदना फिर आपके बजट में नहीं होगा, तो इसलिए आप वैसे गुड्स खरीदोगे, इन्फीरियर गुड्स हम उसको कहते हैं। लेकिन वो आप कब तक खरीदोगे, एक प्रिस्क्राइब लिमिट तक। जैसे ही आपकी सैलरी लेट सपोज 6000 हो गई, 7000 हो गई, तो आप थोड़ा उससे बेटर खरीदने लग जाओगे। तो ऐसे गुड्स जो कि कम खरीदे जाएंगे अगर आपकी इनकम बढ़ गई, उनको कहा जाता है इन्फीरियर गुड्स। तो दो टाइप के गुड्स हैं, नॉर्मल जहां पे इंक्रीज होगी इनकम वैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी, और इन्फीरियर जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी इसकी डिमांड आप बंद कर दोगे, कम कर दोगे या खत्म कर दोगे। तो वो आ गया ये इनकम ऑफ कंज्यूमर में। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या है, अब किसी व्यक्ति का जो प्रेफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ले जी बिस्किट में है या फिर बिस्किट में है, तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा। कोई पर्सन है जिसका जो इंटरेस्ट है वो चाय में है, तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि उसकी जो प्रेफरेंस है वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग भी वो डिमांड कम ज्यादा करता है। गुड्स विच आर मॉडर्न और मोर इन फैशन कमांड हायर डिमांड देन गुड्स विच आर ऑफ ओल्ड फैशन, ओल्ड डिजाइन एंड आउट ऑफ फैशन। देखिए आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा लेटेस्ट फैशन आते हैं, लोग उसके डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं, ना कि पुरानी चीजें खरीदते हैं। तो वही चीज है, जैसे जैसे न्यू डिजाइन आते हैं, न्यू फैशन आता है, लोग उसके लिए ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। देखिए अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी, इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लुएंस हो जाती है आपकी करंट की डिमांड। मान लो अगर ये बोल दिया गया कि जो गोडाउन में, हमारे इंडिया में गोडाउन था एक, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे हम प्याज रखते थे, और वहाँ पे कुछ ऐसी अनहोनी हो गई कि वो सारे प्याज जो थे खत्म हो गए, खराब हो गए, या उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो अब आपको पता चल गया कि भाई अब आगे के टाइम में प्याज की जो सप्लाई है वो इफेक्ट हो जाएगी, और प्राइस उसके जो है वो हाई हो जाएंगे, या एक पर्टिकुलर सीजन आता है जहां पे आपके कुछ ना कुछ सब्जियों के जो प्राइस होते हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं। तो जब आपको ये पता चलता है कि इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक करके रखने लग जाते हो। घर में भी होता होगा, मम्मी कहती होगी कि चल 2 किलो लेने, तो 5 किलो ले लेते हैं। सो ये क्या है कि आपके एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके इसके जो है प्राइस बढ़ सकता है, सप्लाई कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करते हो, पहले से थोड़ा एक्स्ट्रा डिमांड कर लेते हो। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कंज्यूमर की, जहां पे वो अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसके डिमांड को कम ज्यादा कर लेता है। चलिए अदर फैक्टर्स,
यहाँ तक तो हमारे मेन फैक्टर्स हुए, जहाँ पे आपने पढ़ा प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा कुछ आपके हैं जो हैं अदर फैक्टर्स के अंदर आते हैं, जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन। एक जगह पे आपके बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत हाई है, बच्चों की पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो वहाँ पे बच्चों से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, कमोडिटीज होती है, उसकी डिमांड हाई होगी। बच्चों से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं उसकी डिमांड हाई होगी। तो पॉपुलेशन का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पहली बात तो हमने सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन की थी जहाँ पे ओवरऑल होते हैं। कंपोजिशन में यानी उसमें भी आपने डिवाइड कर दिया कि बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है, ओल्ड एज कितने हैं, यंगस्टर्स कितने हैं, तो उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड कम ज्यादा होगी। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम कितनी है, क्या बहुत ज्यादा इनकम कमा रहे हैं हमारे इंडिया में, तो वो बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे। जैसे कि कई बार होता है ना, इनकम कम होने लग जाती है लोगों की, जैसे कोविड के टाइम पे कई लोगों को सैलरी कम मिली है, कई लोगों को बहुत कम इनकम मिली है, तो उनकी डिमांड भी उसके अकॉर्डिंग कम हो गई क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं था, उनकी इनकम खत्म हो रही थी। और साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि पर पर्सन कितनी इनकम एक बंदा कमा रहा है, तो वो भी अगर कम होगा तो यानी हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, आपने देखा होगा अगर कुछ कंपनी ऐसी है जो आपको क्रेडिट फैसिलिटी देती है, उधार देती है, आपके जो एरिया में नॉर्मल जनरल स्टोर होगा वो उधार खाते भी चलाते हैं, वो एक नोटबुक सी बनती है, रजिस्टर सा, छोटी सी कॉपी सी, वो अपना उधार उसमें लिखते रहते हैं कि हर कस्टमर का कितना कितना उधार गया है। तो जब ऐसे फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा डिमांड कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो या क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी मिल रही हो तो भी आप क्या करते हो, अच्छे से उसकी डिमांड कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके बॉस ने कहा कि आप लोग गाड़ी ले लो, हम आपको स्पॉन्सर करवा देंगे, हम आपको क्या करवा देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी दे देंगे कम इंटरेस्ट के साथ, तो आप उसकी डिमांड करने लग जाओगे, उस प्रोडक्ट की डिमांड कर दोगे। तो ये सब थे हमारे फैक्टर्स जो आपकी डिमांड को जो है वो डिपेंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वन, डिमांड फंक्शन, यानी कि ये जो सारी चीजें जो आपके डिमांड को इफेक्ट करती हैं, डिमांड आपकी डिटरमाइन करती हैं, उसके लिए एक फंक्शन बना रखा है जिसका कोई काम नहीं होता। मेरे को तो पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता क्यों बनाया हुआ है, तो बस इसको एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है आपके लिए ताकि आप इसको समझ सको। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, ये किस किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे, मनी इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये सब चीजें हैं जो आपकी डिमांड को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अभी हमने पॉइंट नहीं पढ़ा है, तो इसको एक छोटा सा समझा देते हैं हम आपको। जितना ज्यादा कंपनी अपने प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट करेगी, उतना ज्यादा ही वो क्या कर पाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाएगी। सो इट मीन्स उसकी जो डिमांड है वो थोड़ी बहुत बढ़ने लग जाएगी या कुछ काफी हद तक बढ़ने लग जाएगी। तो ये बताया गया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। नेक्स्ट वन, चलिए अब करते हैं लो ऑफ डिमांड के बारे में बात। अभी तक हमने देखा डिमांड क्या होती है, लेकिन जो उसका लो बनाया गया है वो क्या है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपका जो है, आपको दिखेगा सिचुएशन, ये आपकी दिखेगी वो क्या सिचुएशन है, वो एक्सप्लेन है आपको लो ऑफ डिमांड के अंदर। लो ऑफ डिमांड कहता है कि अगर हम बाकी सब चीजों को, यानी कि जो प्रेफरेंस है कंज्यूमर का, जो कंज्यूमर की जो सोच है या उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो ये आपके रिलेटेड गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स है और इनकम, इन सबको अगर हम साइड में रखें और सिर्फ प्राइस पे कॉन्सेंट्रेट करें, सिर्फ प्राइस के बारे में बात करें, तो जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप उस कॉमोडिटी की डिमांड कम करते जाओगे, और इसी का उल्टा भी होता जाएगा, यानी जैसे जैसे प्राइस कम होगा आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। तो ये चीज बोली गई है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला गया है, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। जैसे अभी मैंने मार्केट का एग्जाम्पल दिया था, 20 रुपए का हो गया तो मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया, और वहीं पर अगर 35-40 रुपए का हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो मैं कम कर दूंगी। सो दिस इज एक्सप्लेन इन लॉ ऑफ डिमांड। नाउ डिमांड शेड्यूल, अब देखिए डिमांड का मतलब तो हमने देख लिया कि क्या होता है, और लो ऑफ डिमांड के बारे में भी जान लिया, बट साथ ही साथ लो ऑफ डिमांड में ये भी बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द लो ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी की चीजें अगर आप इक्वल रखो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम हो रही है, तो उसकी जो क्वांटिटी है आप ज्यादा डिमांड करोगे।
एंड अगर प्राइस पे बढ़ रहा है तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर दोगे। तो ये चीज बोली गई है और ये बोला गया है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। अब एक व्यक्ति हर प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी मांग रहा है, जैसे प्राइस था अगर इस मार्कर का 20 तो मैं कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ, अगर इसका प्राइस हो गया 40 तो मैं कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ, 60 तो कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है हमारा डिमांड शेड्यूल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे आप कितनी अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो उसका शेड्यूल बना देना, उसको टेबल में बना देना, उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर देना, उसको कहा जाता है शेड्यूल। और किस चीज का शेड्यूल है, क्या दिखा रहे हो आप उस शेड्यूल में, आप डिमांड दिखा रहे हो कि किस प्राइस पे कितनी डिमांड आप कर रहे हो, तो ये आपका बन जाता है डिमांड शेड्यूल। अब आपके डिमांड शेड्यूल दो तरीके के होते हैं, एक जहां पे आप सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करते हो, इंडिविजुअल आपका बात होती है इंडिविजुअल पर्सन की, तो वो हो जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वहीं अगर आप सारे मार्केट में जितने भी लोग अवेलेबल हैं, जितने कंज्यूमर अवेलेबल हैं, 40,000 50,000 या कितने भी आपके अवेलेबल हैं, जब आप उन सबकी डिमांड को मिला देते हो, उनके सबके शेड्यूल को मिला देते हो, उन सबको मिला के आप रिप्रेजेंट करते हो, तो वो हो जाता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखिए डिमांड शेड्यूल टेबल विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट प्राइस ऑफ अ गुड, एक ऐसी टेबल जहां पे आप किसी प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस दिखाते हो और साथ ही साथ उसके साथ ये भी दिखाते हो कि इतने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। डिमांड शेड्यूल आपके दो तरीके के होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। इंडिविजुअल में आप बात करते हो किसी एक व्यक्ति की, एक कंज्यूमर की, कि वो अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा। तो यहाँ पे ये एक प्राइस, जब एक रुपए का प्राइस है तो 5 किलो ले रहा है, 2 रुपए का है तो 4 किलो, 3 है तो 3 किलो, 4 है तो 2 किलो, 5 है तो 1 किलो। ऐसा नहीं है कि रिवर्स करके लिख देना है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरीके से है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी आपकी कम होती जा रही है। इसको कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जहां पे एक इंडिविजुअल की ये दिखाया जाता है कि वो डिफरेंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी या कौन कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो डिमांड करेगा या कर रहा है। तो ये चीज आपको यहां दिखाई जाती है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड जो कर्व के बारे में। अगर आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को एक कर्व में रिप्रेजेंट कर देते हो, यानी कि इसका ग्राफ बना के इसको आप शो कर देते हो, तो ये आपका क्या बन जाता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो कुछ भी नहीं है, ये एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो जैसे आपने यहाँ पे प्राइस और ये क्वांटिटी लिखा, यहीं पे आप लिख दीजिए, यहाँ आप क्वांटिटी लिखिए, यहाँ आप प्राइस लिखिए, ठीक है। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप इसको बना दीजिए, जहां पे 1 रुपए का प्राइस है तो वहां पे आप 5 क्वांटिटी मांग रहे हो, तो 1 यहाँ पे पॉइंट बन गया। जब 2 रुपए का प्राइस है तो आप 4 मांग रहे हो, 3 का है तो 3, 4 का है तो 2 और 5 का है तो 1, और इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए, ये आपका बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इस तरीके से कुछ नहीं है, सिर्फ शेड्यूल का ही रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल मोड में। वही बात आ जाती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखो जरूरी नहीं है मार्केट में एक ही कंज्यूमर होगा, वहां बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं। तो जहां पे बहुत सारे कंज्यूमर हैं और आपको उन सब का डिमांड शेड्यूल निकालना है, तो हर एक कंज्यूमर के डिमांड शेड्यूल को आप प्लस कर दोगे, जोड़ दोगे, और जो आएगा वो आपका बनेगा मार्केट डिमांड शेड्यूल, कि मार्केट में कितनी डिमांड हो रही है, मार्केट में ओवरऑल कितनी डिमांड हो रही है। तो 1 रुपए पे एक कंज्यूमर है जो 5 मांग रहा है और एक है जो 6 मांग रहा है प्रोडक्ट, 6 किलो मांग रहा है या 6 यूनिट्स मांग रहा है, ठीक है, और टोटल इसके कितने हो गए, 11। वहीं 2 रुपए प्राइस होता है तो एक 4 मांगने लगता है और एक 5, तो टोटल हो गए 9। तो ये जो है मार्केट डिमांड शेड्यूल है। सेम अगर आप इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ये आपको लिए मैं छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड में तो ये बोल दिया गया जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप उसके लिए डिमांड कम कर दोगे, और जैसे जैसे आपका प्राइस कम हो जाएगा आप उसके लिए डिमांड बढ़ा दोगे। पर देखिए ये कुछ ऐसी चीज नहीं है, ये लो ऐसा नहीं है कि हर जगह ये साबित हो जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे ये लो जो है लो ऑफ डिमांड वो इस तरीके से नहीं चलता, वो उल्टा हो जाता है, वो इसको पूरा तरीके से बैठ नहीं पाता। इस चीजों को कहा जाता है एक्सेप्शंस, जहां पे इसके कुछ रूल इसके कुछ छूट हो जाती है, छूट बोल दीजिए, ऐसी सिचुएशन जहां पे ये मान्य नहीं हो रहा या ये नहीं बैठ रहा, तो वो हमारी एक्सेप्शंस होती है। अब कौन कौन से एक्सेप्शंस है वो देखिए। पहला एक्सेप्शन है कॉन्सिपिशियस गुड्स।
कॉन्सिपिशियस गुड्स ऐसे होते हैं जो आपकी एक प्रेस्टीज वैल्यू को दिखाते हैं कि आप कितने अमीर हैं, आपको कितना, आपके पास कितना पैसा है। तो ये कैसे होगा, जैसे सोना, चांदी, डायमंड, ये सब क्या है, ये जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा लोग इसकी डिमांड भी करने लगेंगे। उनको लगेगा कि यार ये तो एक प्रेस्टीजियस वैल्यू है, उसके डिमांड में कमी नहीं आएगी। आप शो ऑफ के लिए ही सही, बट आप खरीदोगे ही खरीदोगे, तो उसकी डिमांड में कमी नहीं आएगी, इतनी कमी नहीं आएगी जो कि लो ऑफ डिमांड के तहत देखी जा रही है। नेक्स्ट वन इज गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स में हमने बात की थी अभी, जो हमने एक्सप्लेन किया था इन्फीरियर गुड्स पर, वो सेम इसी तरीके से आपके गिफिन गुड्स होते हैं। यानी वो कुछ ऐसी लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं कि जिनका अगर आपको जो है प्राइस बढ़ेगा तो जरूरी नहीं है आपकी डिमांड भी उसके लिए बढ़े, कम ही होगी, हो सकता है उसकी जो डिमांड है वो आपके लिए बढ़ जाए। तो ये सब होते हैं आपके गिफिन गुड्स। कॉन्सिपिशियस नेसेसिटी, यानी कुछ ऐसी जरूरत की चीजें जो आपको लेनी ही लेनी है। द डिमांड फॉर सर्टन गुड इज अफेक्टेड बाय द डिमोनेस्ट्रेशन अफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न। किसी व्यक्ति का कंजम्पशन पैटर्न है, उसको कुछ खाना ही है, रोटी है, चाय, नमक है, वो सब क्या है, कॉन्सिपिशियस नेसेसिटी, वो चाहिए ही चाहिए। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, अगर आपको लग रहा है आगे जाके प्राइस और बढ़ेगा या प्राइस ज्यादा बढ़ने वाला है, तो आप क्या करते हो, अभी भी अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो आप जल्दी से उसको खरीद लोगे। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग, हाउसहोल्ड एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइसेस इन द फ्यूचर विल बी स्टिल हायर, और तब आप क्या करते हो, तब स्टिल आप उसको खरीद लेते हो भले ही आपका रिसेंटली भी उसका प्राइस बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट इज इनरेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि आपने देखा होगा लॉकडाउन में जैसे ही बात आई थी कि दारू वारू की दुकानें खुल दी जाएंगी, बार खोल दिए, वो सब खोल दिए जाएंगे, ड्रिंक्स अल्कोहल अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगा ली थी, ठीक है। और ये सब क्या है, ये है एक बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। उनको पीना है तो भैया पीना ही पीना है, चाहे आप प्राइस क्या करो 300 गुना ज्यादा कर दो, चाहे आप उस पर 300 गुना टैक्स लगा दो या कितना भी कर दो, ये इनरैशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर है। प्राइस क्या थे, वो हाई जा रहे थे, देखा होगा आप लोगों ने, बट डिमांड भी उसके देखी जाए तो हाई थी, इसमें आपका लॉ ऑफ डिमांड सेट ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर नेसेसरी। अब किसी को कैंसर है, भगवान ना करे, या कोई ऐसी बीमारी है, तो उनको दवाइयां क्या है, चाहिए ही चाहिए, वो नेसेसरी की चीजें हैं, उनके बिना उनका काम नहीं चलेगा। तो ये ऐसी चीजें जो नेसेसरी की होती है, उनकी डिमांड भी आपकी बनी रहती है और वो आपको लेनी ही पड़ती है, चाहे उसके प्राइस हाई जा रहे हो, आप उसके लिए डिमांड करोगे, आपको जीना है, आप डिमांड करोगे। स्पेक्युलेटिव गुड्स आपने देखा होगा, जैसे शेयर मार्केट में प्राइस हाई हो रहे होते हैं फिर भी लोग उसको ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस और हाई होने वाले हैं, तो वो होते हैं आपके स्पेक्युलेटिव गुड्स। अब बात करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अभी तक हमने जितना पढ़ा हमें दो चीजें तो पता चल गई कि सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करता आपके डिमांड को कम ज्यादा करने के लिए, और भी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आपका डिमांड कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो उसको बोला जाता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन एक अलग है, कॉन्ट्रैक्शन अलग है। एक्सपेंशन कहाँ है, क्या है एक्सपेंशन, मतलब यानी कि आपकी डिमांड बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है, कम थी अब एक्सपेंड हो रही है। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि पहले ज्यादा थी और अब आपकी डिमांड कम हो रही है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बन जाती है, एक आपकी डिमांड बढ़ रही है और एक आपकी डिमांड कम हो रही है। और इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, प्राइस रीजन है, प्राइस की वजह से ये डिमांड में कम ज्यादा हो रहा है। सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, एक्सपेंशन हो रहा है। देखिए पहले आपका जो था, आपकी जो पहले क्या कहते हैं प्राइस थी या डिमांड थी, वो थी मान लीजिए इतनी प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी ले रहे थे, ये आपकी थी पहले की, यानी पहले स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपका जो प्राइस है वो बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो यानी अब ऊपर चला गया, शूट अप हो गया ऊपर, तो ये आ गया P1, ठीक है, P1 ले लेते हैं इसको। तो ये प्राइस आपका बढ़ गया, तो अब जैसे ही प्राइस बढ़ा आपने क्या किया, क्वांटिटी कम कर दी। अब क्वांटिटी कम करी है तो आपकी क्वांटिटी इस साइड आ जाएगी, यानी कि इस साइड के एरिया पे। अब ये क्वांटिटी ऐसी आपकी बन गई, अब ये क्वांटिटी यहां बन गई Q1, ठीक है, ये लाइन आप हटा दीजिएगा, Q1 बन गई। तो इट मीन्स आपकी पहले इतनी डिमांड थी, अब आपकी डिमांड इतनी हो गई,
अब इसके अलावा अब आप क्या करने वाले हो, अब आपकी जैसे ही प्राइस कम हो जाएंगे, प्राइस कम हो जाएंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा और इसी के साथ साथ आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। प्राइस कम हो गए तो आप अपने उसने क्या किया, आपने ज्यादा मांगने लग गए, तो ये हो गई आपकी क्वांटिटी टू। तो यानी कम हुआ तो इस साइड कम हुआ तो आपने क्वांटिटी ज्यादा कर दी, प्राइस ज्यादा हुआ तो क्वांटिटी कम कर दी। अब आप इसको हर पॉइंट को मिला दीजिए तो ये आपका बन गया डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्केल का यूज नहीं किया तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। ये तो बात हुई हमारी एक्सपेंशन एंड हमारी जो थी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ऑफ डिमांड कर्व। तो यहाँ पे ये चीज हुई जो कि रिलेटेड थी प्राइस के, लेकिन प्राइस के अलावा अगर कोई फैक्टर है जो आपकी डिमांड को कम ज्यादा कर रहा है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। यहाँ पे हम बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, जहाँ पे जो रीजन होता है वो प्राइस नहीं होता बल्कि दूसरे फैक्टर्स होते हैं, यानी आपके जो रिलेटेड गुड्स हैं उनमें प्राइस चेंज हो रहा है या आपकी जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो रही है, आपकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस यहाँ पे यहाँ पे आपका डिमांड चेंज होगा। तो ये है आपका डिमांड का यहाँ पे इसका कर्व। तो देखिए प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है तो प्राइस वैसा ही रहेगा। पहले आप इतने डिमांड कर रहे थे, इतनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे क्यों, लेकिन वैसे ही कुछ रीजंस ऐसे हो गए कि आपने उसकी क्वांटिटी कम कर दी, आपका प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो यहाँ पे आप कम क्वांटिटी मांग रहे हो। क्यों वन कम क्वांटिटी मांग रहे हो तो अब यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं है पर क्वांटिटी कम हो गई और आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होके इस साइड आ गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। वहीं अगर कुछ और चीजें आ गई, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, आपने डिमांड ज्यादा करने लग गए तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका डिमांड शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड को। तो ये सिचुएशन होती है जहां पे आपका डिमांड ऐसे चेंज होता है, डिमांड कर्व ऐसे चेंज होता है। तो चलिए, आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आ गया हो, आपकी रिविजन अच्छी हो गई हो। अगर आपको पहले थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी आपकी सॉल्व हो गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।